अगर आप 1000 रुपये के अंदर एक ट्रिमर खरीदने अभी जाओगे तो इधर आपको बहुत सारा चॉइसेस देखने को मिलेगा, और ये सभी मॉडल्स एक रेपुटेटेड ब्रांड का भी है, तो इसमें से कौन सा लेना सही होगा, तो ये बहुत सारा कॉन्ट्रीब्यूशन है इधर, और कौन सा परफेक्ट है आपके काम के लिए, चलिए देख लेते हैं। इधर मैं 5 आपको टॉप मॉडल सजेस्ट करने वाला हूँ जो इधर 1000 रुपये के अंदर आएगा। तो फर्स्ट जो मॉडल इधर फिलिप्स का सबसे मतलब बिका हुआ मॉडल जो 1000 रुपये के अंदर आता है, फिलिप्स का BT123218। ये जो मॉडल है इधर आपको स्टेनलेस स्टील का ब्लेड देखने को मिलेगा, और ये सेल्फ शार्पनिंग है, ऑटोमेटिक शार्प हो जाता है जब ट्रिमर चलता है। 0 mm का इधर कंपनी क्लेम करता है कि 0 mm पे आप ट्रिम कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बता दूंगा इधर आप 0.5 mm के ट्रिम कर सकते हो, और उसके बाद इधर आपका जो अटैचमेंट है इधर आपको 1 mm का देखने को मिलेगा, 3 mm का देखने को मिलेगा, और 7 mm का देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसके साथ साथ इधर आपको 30 मिनट का रन टाइम देखने को मिलेगा, मतलब 30 मिनट तक आप कंटिन्यूअस यूज कर सकते हो अगर आप 8 आवर्स का इधर आपको फुल चार्ज करोगे इस ट्रिमर को तो। और इसको आप माइक्रो यूएसबी से चार्ज कर सकते हो, और उसके साथ साथ इधर आपको स्किन प्रोटेक्ट कॉम देखने को मिलेगा। अगर आपने इसको लगा लिया तो आपका स्किन पे कोई इधर आपका काट नहीं देखने को मिलेगा, मतलब एकदम अच्छी तरीके से आप शेविंग कर सकते हो बिना किसी मतलब काट के डर से, जो बहुत ही अच्छा है। उसके साथ साथ इधर आपको ट्रैवल लॉक देखने को मिल रहा है। ट्रैवल लॉक क्या है, अगर आप कहीं पे घूमने गए हो तो बैग पे अगर ट्रिमर है तो क्या होता है, ट्रिमर का बटन दब जाने से ट्रिमर चल जाता है, तो बैटरी पूरा ड्रेन हो जाता है, तो इसकी वजह से इधर आपको ट्रैवल लॉक देखने को मिलेगा, जो बहुत ही अच्छा चीज है। तो ये तो हो गया सभी पॉजिटिव पॉइंट्स, अभी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी इसमें देख लेते हैं, मतलब क्या क्या बुराई है इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल 0 mm दे बोल के भाई 0.5 mm ट्रिम हो रहा है, तो जिन लोगों को मतलब एकदम क्लीन शेप चाहिए, मतलब ब्लेड पे जो क्लीन होता है वैसा क्लीन तो नहीं होगा, मतलब फिर भी हो जाएगा, सिमिलरिटी बहुत ही ज़्यादा इधर आपको देखने को मिलेगा क्लीन शेप का, तो क्लीन शेप जिसको चाहिए भाई आपको नहीं मिलेगा इसमें, एकदम क्लीन शेप नहीं होगा, 0.5 mm का आपको देखने को मिलेगा। तो ये इधर आपका थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है। और दूसरा नेगेटिव पॉइंट है भाई 8 आवर्स चार्ज करने के बाद आप इस पर सिर्फ 30 मिनट तक यूज़ कर सकते हो, भाई 8 आवर्स तक चार्ज करना पड़ रहा है एक डिवाइस को, उसके बाद सिर्फ 30 मिनट आप यूज़ कर पा रहे हो, ये थोड़ा मुझे नेगेटिव पॉइंट लगा, क्योंकि भाई अभी फास्ट चार्जिंग का ज़माना आ गया है, अभी फास्ट चार्जिंग तो चाहिए ना, तो इसलिए भाई ये थोड़ा मुझे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट लगा है। तो अगर आप ये मेंटेन कर सकते हो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। और उसके बाद और एक नेगेटिव पॉइंट है भाई, इसका बैटरी बहुत ही जल्दी मतलब ख़राब हो जाता है, मतलब जल्दी ड्रेन हो जाता है, वो 30 मिनट बोल के भाई सिर्फ 10 मिनट या फिर 15 मिनट तक देता है। मेरा एक दोस्त है सेम ट्रिमर यूज़ कर रहा है, 1 साल के बाद भाई उसका बैटरी ख़राब हो गया, मतलब सिर्फ 10 मिनट या फिर 12 मिनट तक यूज़ कर पा रहे हैं, 30 मिनट तो भाई दूर दूर तक नहीं होता। और बहुत ही ज़्यादा मैं इधर रिव्यू भी देखा हूँ, अमेजोन पे भी देखा हूँ, फ्लिपकार्ट पे भी देखा हूँ, भाई सभी लोग का सेम इधर आपका मतलब रिव्यू है, बैटरी इसका बहुत ही जल्दी ड्रेन हो जाता है। तो यही 3 इसका नेगेटिव पॉइंट है। उसके बाद इधर आपको वाटरप्रूफ क्या देखने को मिलेगा, नहीं इधर आपको ये मॉडल वाटरप्रूफ नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन इसका जो ब्लेड है आप इधर खोल के वॉश कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद इसका जो वारंटी है इधर आपको 2 ईयर्स का वारंटी देखने को मिल रहा है, 2 ईयर्स जो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है जो है प्राइस, प्राइस इधर आपको देखने को मिल रहा है 895 रुपीज़ देखने को मिल रहा है। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाता है EMI का एक मॉडल, ठीक है, Xiaomi का, भाई बहुत ही चाहिए एक मॉडल है। इस मॉडल पे भी आपको स्टेनलेस स्टील का ब्लेड देखने को मिल रहा है, और इस पे भी आपको 0.5 से लेकर इधर 20 mm तक ट्रिम कर सकते हो। और सबसे बढ़िया चीज़ क्या है इसमें, इधर आप 40 लेंथ तक आप इधर ट्रिम को एडजस्ट कर सकते हो, जो बहुत ही अच्छा चीज़ है। और इसका जो रन टाइम की अगर मैं बात करूँ तो इधर आप 90 मिनट तक यूज़ कर सकते हो इस ट्रिमर को, 2 आवर्स के चार्जिंग के बाद आप 90 मिनट तक इसे यूज़ कर सकते हो, जो बहुत ही अच्छा है भाई। और टाइप सी का इधर आपको चार्जिंग पोर्ट देखने को मिला, इसलिए इतना ज़्यादा फास्ट चार्जिंग है, जो मोबाइल का जो चार्जर है उस पर भी आप इसको चार्ज कर सकते हो। और क्या इस पर पॉजिटिव पॉइंट्स है, ट्रैवल लॉक टेक्नोलॉजी विथ इसका एक ट्रैवल का जो एक पाउच दिया हुआ है। और उसके बाद इधर आपका कुछ नेगेटिव पॉइंट्स देख लेते हैं जो इस पे खराब है। फर्स्ट ऑफ ऑल हीटिंग इशू ऑन ब्लेड, बहुत ही ज्यादा रिव्यू पे ये देखने को मिल रहा है कि इधर आपका जो ब्लेड होता है ट्रिम का वो बहुत ही जल्दी हीट हो रहा है, तो इसकी वजह से आपका जो अगर आप बियर्ड शेव करने जा रहे हो तो इधर आपको हीट महसूस हो रहा है, मतलब एक रेपुटेटेड ब्रांड से तो ये उम्मीद नहीं थी। उसके बाद सेकेंड नेगेटिव पॉइंट है लो परफॉर्मेंस, भाई एक रेपुटेटेड ब्रांड का इतना ज्यादा अच्छा मार्केटिंग दिखाया है लेकिन उस हिसाब से इधर आपको परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिल रहा है, जो बहुत ही लोग ये कह रहे हैं, ठीक है, मतलब रिव्यू में, तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। उसके बाद है प्लास्टिक अटैचमेंट ब्रोक, 2-3 यूज के बाद इसका जो प्लास्टिक अटैचमेंट आता है, मतलब 2 mm 3 mm जो इसका जो अटैचमेंट आता है टूट जा रहा है, ठीक है, कुछ देर बाद वो टूट जा रहा है 2-3 यूज करने के बाद। अगर आपका अटैचमेंट ही टूट गया तो आप इस पर ट्रिम कैसे करोगे, आप 0 पे तो नहीं ट्रिम कर सकते ना, तो ये बहुत ही बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट है, जो भाई एक रेपुटेटेड ब्रांड से तो उम्मीद नहीं थी।
पहली बात भाई ये वाटरप्रूफ नहीं है, बहुत ही ज्यादा लोग बोल रहे हैं कि वाटरप्रूफ है, भाई ये वाटरप्रूफ नहीं है। इसका जो वो जो ब्लेड का पोर्शन है वो आप खोल के आप इधर वॉश कर सकते हैं, लेकिन पूरा ट्रिमर इधर आपका वॉशेबल नहीं है, मतलब ये पूरा ट्रिमर वाटरप्रूफ नहीं है। उसके बाद इधर आपको वारंटी देखने को मिल रहा है 1 ईयर्स का वारंटी, और इसका प्राइस भाई इधर आपका 1200 रुपए देखने को मिल रहा है इसका प्राइस। तो चलिए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट मॉडल। नेक्स्ट मॉडल है VGR के तरफ से, VGR प्रोफेशनल। इस पे भी इधर आपको स्टेनलेस स्टील का ब्लेड देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ इधर आप 0mm पे भाई रियल 0mm पे आप इधर ट्रिम कर सकते हो। जो 0mm बोल के 0.5mm ऐसा नहीं है, इस पे आप रियली 0mm पे आप इधर ट्रिम कर सकते हो, और इस पे आप 0mm 1mm और 2mm इधर आप मशीन पे इधर आप एडजस्ट कर सकते हो। और अटैचमेंट दूसरा आता है 3mm का, 6mm का, 12mm का और 9mm का, ठीक है। इधर आपका अटैचमेंट एक्स्ट्रा आता है, बहुत सारा इधर आपको अटैचमेंट देखने को मिल रहा है। और उसके बाद है इसका रन टाइम, इधर आप 120 मिनट तक इधर आप कंटिन्यूअस यूज कर सकते हो आफ्टर 1.5 आवर्स ऑफ चार्जिंग। तो उसके बाद इसका कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई बहुत ही ज्यादा गलत मार्केटिंग किया जा रहा है इस मॉडल का, भाई कोई वाटरप्रूफ नहीं है, लेकिन इस पे अमेज़न पे भाई मार्केटिंग किया हुआ है कि IP7 का इधर आपको वाटर रेजिस्टेंस देखने को मिले, भाई बिल्कुल नहीं है। सिर्फ इसका जो ब्लेड है वो आप वॉश कर सकते हो, लेकिन पूरा ये जो ट्रिमर है ये वॉशेबल नहीं है। तो भाई ये बहुत ही ज्यादा एकदम गलत मार्केटिंग है जो अमेज़न पे ये हो रहा है। तो और एक नेगेटिव पॉइंट है भाई, 0.5mm पे आप इधर नहीं ट्रिम कर सकते, इधर कोई अटैचमेंट नहीं है जिस पे आप 0.5mm पे ट्रिम कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ इस पे 0mm है, उसके बाद 1mm है। उसके साथ साथ आपको 1 ईयर का वारंटी देखने को मिले, और इसका जो प्राइस है 674 रुपीज ओनली, इतना कम प्राइस में बहुत कुछ दे रहा है। तो इसलिए बहुत ही अच्छा मॉडल है, आप इसको प्रेफर कर सकते हो। तो सब कुछ पॉइंट देख लेते सभी मॉडल्स का, उसके बाद आपको डिसाइड करना है। उसके बाद और एक पॉपुलर मॉडल है जो है मैक्सटॉप के तरफ से। मैक्सटॉप तो भाई इसका ओरिजिनल नाम है, मतलब ओरिजिनल ब्रांड जो डिलीवर्ड होगा वो मैक्सटॉप का आपके देखने को मिला है, लेकिन कंपनी का नेम कुछ और ही सो होगा। सभी जो मॉडल्स है फ्लिपकार्ट पे, अमेज़न पे आप जो भी मॉडल ऐसा देख रहे हो भाई, सभी मॉडल मैक्सटॉप कंपनी का ही है, सिर्फ अपना नाम देके ये लोग डिलीवर कर रहे हैं। तो इसका जो अमेज़न पे अभी नाम है अर्दकी, ठीक है, ऐसा कुछ नाम है। तो इसका जो ब्लेड का मटेरियल इधर को सिरेमिक ब्लेड देखने को मिल रहा है, और इसका जो ट्रिम का साइज है 0mm 1mm 3mm एंड 4mm तक आप इसे ट्रिम कर सकते हो। इसका जो 0mm भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मतलब क्लीन शेव के लिए अगर आप लेना चाहते हो तो भाई एकदम परफेक्ट है। ये जो मॉडल है बहुत ही ज्यादा लोग यूज करते हैं, कहीं पे सैलून पे बहुत ही ज्यादा यूज होता है। क्यों? इस पे मार्किंग किया जाता है, मतलब इसका जो मार्किंग है भाई एकदम टॉप नॉच है। मैं कुछ दिन पहले सैलून पे गया था, इस मॉडल को देखा था, हाथ पे लेके देखा था, तो बहुत ही अच्छा, और मतलब फुल बॉडी इसका मेटल का है, तो इसलिए भाई मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और ये बहुत ही ज़्यादा हैंडी है, मतलब इतना छोटा है और इतना मतलब स्लिम है, तो इसलिए इसको आप ट्रिम बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हो अपने हिसाब से। और इसका जो रन टाइम है, मतलब इसको आप कितना देर तक चला सकते हो एक बार फुल चार्ज करने के बाद, आप इसको 120 मिनट तक चला सकते हो, 3 आवर्स आपका चार्ज देना होगा फुल, उसके बाद आप इसको 120 मिनट तक यूज कर सकते हो। तो अभी तो हो गया इसका कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स, अभी कुछ इसका नेगेटिव पॉइंट्स भी देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हेयर कट के लिए नहीं है, मतलब सिर्फ बियर्ड ट्रिम के लिए, और जो लोग हेयर कट करेगा लेकिन एकदम उसका छोटा बाल रहेगा तो उसके लिए ठीक है, मतलब स्टाइल करने के लिए। अगर आप इसको 12mm और 20mm पे ट्रिम करना चाहते हो तो इस पे नहीं होगा। नॉट ऑप्शन फॉर 0.5mm भाई, ऑब्वियसली है 0.5mm बहुत ही ज्यादा लोग को चाहिए होता है जो बियर्ड रखते हैं, तो उसके लिए इधर आपको नहीं देखने को मिलेगा। सिर्फ 1mm है, उसके नीचे है एकदम 0mm और सब कुछ सही है। और ये वाटरप्रूफ नहीं है, मेटल बॉडी है लेकिन भाई ये वाटरप्रूफ नहीं है। इस पे आपको वारंटी भी नहीं देखने को मिल रहा, क्यों? क्योंकि भाई इसका प्राइस है सिर्फ 379 रुपीज, भाई सिर्फ 380 रुपए पे एक ट्रिमर, वो भी मेटल बॉडी का और इतना अच्छा क्वालिटी का। तो भाई वारंटी किस लिए चाहिए भाई, 6 महीने भी चल जाए वो भी बहुत ही अच्छा है। तो वारंटी इधर आपको नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन इधर आपको 10 डेज का रिटर्न पॉलिसी देखने को मिलेगा। अगर आपका कुछ गलत आ जाए तो इसको आप रिटर्न कर सकते हो, मतलब रिटर्न नहीं रिप्लेस कर सकते हो आप। 10 डेज का रिप्लेसमेंट पॉलिसी इधर आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट मॉडल पे आ जाते हैं जो है VGR के तरफ से, और एक मॉडल VV071। ये जो मॉडल है बहुत ही पॉपुलर मॉडल है, और इसका जो ब्लेड है एकदम स्टेनलेस स्टील का ब्लेड है, और इस पे आप 0mm 1mm 2mm एंड 3mm तक इसको ट्रिम कर सकते हो। इस पे आप चार्ज कर सकते हो 1.5 आवर्स, उसके बाद इसका रन टाइम है 120 मिनट, 2 घंटे तक आप इसको यूज कर सकते हो। इस पे भी आपको फास्ट चार्जिंग देखने को मिल रहा है, उससे भी बढ़िया
बढ़िया चीज भाई इस पे आपको टाइप सी देखने को मिल रहा है। टाइप सी से आप इसको चार्ज कर सकते हो, मतलब मोबाइल के चार्जर से भी आप इसको चार्ज कर सकते हो। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स देख लेते हैं, तो सभी पॉजिटिव पॉइंट्स हो गया। सेम टू सेम है पिछले वाले मॉडल का भाई, इस पे आप 0.5 mm पे ट्रिम नहीं कर सकते, इस पे आपको नहीं देखने को मिलेगा। और लॉन्ग हेयर कार्ड आप इस पे नहीं कर सकते, जो थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है। ये दो ही नेगेटिव पॉइंट है। और वाटरप्रूफ है तो नहीं है, मैं पहले ही बोल दिया हूँ। और इसका जो प्राइस है अभी देखने को मिल रहा है 799 rupees, मतलब 800 rupees पे आप इसको ले सकते हैं। लेकिन भाई 800 rupees देके आप मत लीजिए। नॉर्मल जो एवरेज इसका प्राइस चलता है 650 rupees 700 rupees ऐसा इसका प्राइस चलता है। तो अगर देखने को मिल रहा है 650 rupees 700 rupees तो आप लीजिए। तो सभी मॉडल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, अगर इसमें से आप कोई भी मॉडल खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाइए, उधर आपको लिंक मिल जाएगा डायरेक्ट लिंक, ठीक है। तो आज के लिए इतने दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।